Requesting both the teams to kindly send your 12th man because matches are live and the names should be flashed on the digital scorecard because many viewers are watching this match not only from India but out of the India also. So requesting all the captains, please note, you have to send your 12th man in the commentary box that is on the inside the pavilion on top floor. Thank you. पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, चिराग इलेवन जो कि फील्डिंग कर रही है टीम मैदान के अंदर। नवदुर्गा जो कि फील्डिंग कर रही है मैदान पर, यानी कि चिराग इलेवन की प्रारंभिक जोड़ी अनुप और रुपेश, ये जोड़ी मैदान पर। ये फुल टॉस गेंद और गेंद को बैठी है सीमा रेखा के बाहर, छह रन के लिए। एक तगड़ा स्ट्रोक देखते देखते सीमा रेखा पर, छह रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट था, देखने में आप रिप्ले में देख सकते हैं गेंद कैसे बल्ले से लगे और उसके बाद निकली सीमा रेखा के बाहर। छह रन के साथ खुद का खाता खोला, टीम की रन संख्या पहुंचे 7 रन बगैर किसी नुकसान पर। गेंदबाज रोहित जो कि पहला ओवर डाल रहे, एक चक्का इस ओवर के इस गेंद के ऊपर लगा है। देखना है चारों का मुकाबला और हर एक टीम चाहती है 50 का आंकड़ा जो कि लगभग तय करे। और इस बार खेलना चाहते थे, गेंद कहीं बल्ला कहीं, टिप्पा गिरने के बाद नीचे रही, बल्ला हवा में घूमता गया और मेडन डिलीवरी समाप्त होती है। बेहतरीन कमबैक कहा जाएगा गेंदबाज का, प्रयास अच्छा था, शायद गेंद और बल्ले का संपर्क हो जाता, ये भी गेंद तारामंडल को चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर निकल जाती। लेकिन अच्छा कमबैक, बेहतरीन गति परिवर्तन इस गेंदबाज द्वारा इस गेंद पर। और यॉर्कर लेंग की गेंद लगभग विकेटों के बीच में थे, बल्ला जरूर घुमाया था, सटीक यॉर्कर जिसे कहा जाता है, जो ब्रह्मास्त्र तेज गेंदबाज का वही किया। और फ्लड लाइट के जो कि लाइट बॉल रहते हैं, ये अक्सर ये गेंद काफी काम आ जाते हैं गेंदबाज के लिए, बल्लेबाज को खामोश करने के लिए ऐसे गेंदों का इस्तेमाल करना बेहद जरूर होता है। और यही आपने देखा इस मैदान पर, कल से देखा आज भी इस मैदान पर आप देख रहे हैं। और इस बार हवा में गेंद, कैच का मौका, कवर पर खिलाड़ी हाथ से छूटा, एक आसान सा मौका था वहां पर, बल्लेबाज के लिए भी मौका था, शायद चाय पीते अखबार पढ़ते शॉट खेलते छक्का चौका लग जाता, शायद खिलाड़ी तो थोड़े से तेज भागते तो कैच लपक लेते, लेकिन दोनों के मौके यहां पर छूटे, तब तक बना सिंगल, टोटल पहुंचा 8 रन बगैर किसी नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर रहेंगे रुपेश और सामना करेंगे रोहित की गेंदबाजी का, एक छक्का छोड़ा जाए तो ठीक ठाक गेंदबाजी रोहित की मैदान के अंदर। यॉर्कर लेंग की गेंद ऑफ ड्राइव का एक बेहतरीन स्ट्रोक शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी आकर फील्ड करे, तब तक और एक सिंगल निकलता हुआ। और दिक्कत में आ जाते जब राइटी और लेफ्टी का कॉम्बिनेशन होता है, तो हर एक सिंगल के बाद आपको फील्डिंग सेट करनी पड़ती है, फील्ड को बदलना पड़ता है और ये दिक्कत का कारण हो जाता है, थोड़ा सा समय भी उसमें बीत जाता है। लेकिन ये नाइट टूर्नामेंट है तो शायद यहाँ पर देखना पड़ेगा। अरे गेंद महत्वपूर्ण, शायद इस गेंद के ऊपर बड़ा शॉट लगा तो मैं कहूँगा बल्लेबाज की जीत होगी इस ओवर में। और इस बार खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर लगी नहीं, निचले हिस्से से लगी जमीन के सहारे, एक सिंगल निकला, सिंगल के साथ साथ टोटल डबल फिगर में, शायद पहला ओवर भी यहाँ पर समाप्त होता हुआ, पहले ओवर का खेल समाप्त 10 रन बगैर किसी नुकसान पर। ये शुरुआत है जो कि चिराग इलेवन टीम की, नवदुर्गा स्पोर्ट्स क्लब यहाँ पर फील्डिंग कर रही है, पहले ओवर का खेल समाप्त 10 रन मात्र टोटल स्कोरबोर्ड पर, एक छक्का लगा उसके बावजूद निकले 10 रन। और ये हमेशा देखने को मिलता है कि लाइट बॉल की प्रतियोगिता में हर एक ओवर में 2-3 बड़े शॉट लग ही जाते हैं, लेकिन अगर सटीक गेंदबाजी हो तो शायद बल्ले बाज को रोकने में कामयाबी हासिल की जाती है। अब गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी के लिए साइश आता हुआ दूसरा ओवर डालने के लिए, 99 नंबर की जर्सी पहने हुए मैदान पर। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अनुप स्ट्राइक पर सामना करेंगे इस गेंदबाज का।
ऑफ स्टंप से बाहर निकली गेंद काफी बाहर थी, सीमा लाइन के बाहर, वाइड का इशारा आता, वाइड के साथ शुरुआत इस ओवर की होती हुई, सिंगल के साथ 11 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर। फिर एक बार गेंदबाजी के लिए निकलते हुए और इस बार और बाहर, और बाहर की तरफ निकले, लगातार दूसरी गेंद वाइड, शायद लाइन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, शायद नहीं गए, थोड़ा सा फिसलते हुए नजर आ रही गेंद हाथ से, और रात का समय है और हल्की हल्की ड्यू शबनम गिरती हुई नजर आ रही मैदान पर। ये अच्छी गेंद, हवा में गेंद, कैच का मौका, जहां पर खिलाड़ी तैनात, सीधे उसके झोली में पहले विकेट का बटन। हमारे करीबी मित्र साधु बॉन्ड भी इस प्रतियोगिता में आ चुके थे, लेकिन उनकी टीम को परास्त होना पड़ा है, और ये हमेशा होता रहता है, जब बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद आपको जब परास्त होना पड़ता है ना, तो काफ़ी दुख हो जाता है, काफ़ी दिल में लगती है, लेकिन सामने वाली टीम की भी तारीफ करनी पड़ेगी। मनोज नार्वेकर की वो टीम है जो कि हर्ष इलेवन, जिन्होंने पहली जीत अपनी टीम के लिए इस प्रतियोगिता के लिए दर्ज कर दी है। देखना है आगे का सफर किस तरह से गुजरता है, फिलहाल तो निश्चित रूप से नए बल्लेबाज मैदान के अंदर ओंकार जाते हुए। मनोज नार्वेकर की हमने बात की, कुमरल चैंपियन ट्रॉफी में बेस्ट विकेट कीपर का प्राइज उन्हें मिला था, 50 से ऊपर अर्धशत की पारियां जिनके नाम दर्ज है, वही मनोज नार्वेकर। दूसरी तरफ थे साधु बॉन्ड, जिन्होंने कई बार बड़े बड़े प्रतियोगिता में हैट्रिक मुकम्मल किए। प्रिंस की प्रतियोगिता आपको याद होगी, उस प्रिंस के प्रतियोगिता में एक शानदार प्रदर्शन का रहा था उनका, और कुड़ाल के मैदान के ऊपर वही साधु बॉन्ड, लेकिन आज खासा कुछ कर नहीं पाए प्रदर्शन, हर एक दिन हर एक नया कुछ लेकर आता है, हमेशा कहा जाता है वो सच मानो में क्रिकेट के मैदान पर। उल्टा डिलीवरी, ये मौका था भाई, ये तोहफा था, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, बल्लेबाज बीट हो गए, विकेट कीपर बीट, 22 के रूप में मिलेगा एक सिंगल, और टोटल पहुंचा 12 रन, 13 रन एक विकेट के नुकसान पर। रुपेश स्ट्राइक पर सावधान करेंगे इस गेंदबाज का, ओ फिर एक बार नो बॉल का इशारा, लाइन का उल्लंघन, यानी कि लाइन का नहीं, ये तो शायद फील्डिंग की बात, फील्डिंग की सजावट की बात है, आपको हर तरफ ध्यान देना पड़ेगा, लाइन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आप लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं कर सकते, और साथ साथ फील्डिंग की जो कि सजावट है उसके बारे में जो नियम बनाए गए हैं उस नियमानुसार आपको फील्डिंग सजानी पड़ेगी। फ्री हिट मिलेगी इस गेंद के ऊपर, और सामना करेंगे जो कि बल्लेबाज रुपेश स्ट्राइक पर। अब बातचीत हो रही है, अब तो ये उच्च न्यायपालिका है, निर्णय तो बदलेगा नहीं, और अक्सर कहा जाता है बाद में लाठी पीटने से फायदा नहीं होता, जब चिड़िया चुग गई खेत, और यही देखने को मिला है। अब फ्री हिट का मौका है बल्लेबाज के लिए, क्या मौके को बुना पाएंगे, या गेंदबाज उनकी अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं वो गेंदबाजी करेंगे, देखने वाली बात होगी। रुपेश स्ट्राइक पर, ओ ये थोड़ी सी हवा में गेंद, गैप में थी गेंद, मिसफील्ड हो गई है, ये सुस्तीली फील्डिंग, लेजी फील्डिंग, अंपायर के साथ चर्चा आपने क्या की, इसके ऊपर सवाल ये निशान। 4 रन निकले और इस 4 रन के साथ टोटल पहुंचा 18 रन टोटल स्कोरबोर्ड पर एक विकेट के नुकसान पर। गेंद में कोई खराबी नहीं थी, अच्छी गेंद थी, सिंगल वहां पर आसानी के साथ बन सकता था, लेकिन मिड विकेट वाले खिलाड़ी थोड़े उत्साह में थे, एक हाथ से गेंद को रोकना चाहा, लेकिन गेंद चकमा देती हुई, उनकी परीक्षा लेती हुई सीमा रेखा के बाहर निकली 4 रन के लिए। और यार कर लेंगे गेंद, बल्ले के अंदरूनी किनारे से लगी, लेग गली की दिशा में चली गई, जब तक फील्डर फील्ड करे, और एक सिंगल निकलता हुआ, और सिंगल के साथ साथ टोटल में बदलाव, टोटल जो कि पहुंचा 19 रन, 19 लॉस ऑफ वन विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस, दूसरा ओवर प्रगति पर। अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज जो कि ओंकार, और इस बार एक तगड़ा स्ट्रोक गैप में से, फिर एक बार वही खिलाड़ी, क्या चश्मा पहन के आए हैं पता नहीं चल रहा है, क्या शाम को रात के इस सुनहरे मौके के ऊपर गॉगल लगाकर फील्डिंग कर रहे हो क्या, ये मात्र सवाल यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। आपको गेंद रोकनी चाहिए थी, आपके पल्ले में थे, लेकिन आपने दो बाउंड्रीज यहाँ पर बहाल कर दिए, जैसे खैरात में रन बांटे जाते हैं उसी तरह से रन बांटे गए हैं आपके ओर से, लगभग मैं कहूंगा दो बाउंड्रीज बचाने की कोशिश करनी चाहिए
थी। टोटल जो कि पहुंचा 23 रन, 23 लॉस ऑफ वन विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। ये रन काफी मायने रखेंगे जब मुकाबला नजदीकी हो जाएगा, देखना पड़ेगा। अब गेंदबाज के लिए फिर एक बार नजर आते हुए साइश हमारे ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने से गेंदबाजी के लिए। और इस बार लेग स्टंप के ऊपर बल्ला जरूर घुमाया था, एक हाथ से सिंगल जरूर निकलेगा वहां पर, सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा अब 24 रन। अभी भी ये ओवर जो कि समाप्त होता हुआ, दो ओवरों का खेल समाप्त। पहले ओवर में निकले थे लगभग 10 रन, इस ओवर में निकले हैं 14 रन। मैं कहूंगा दो चौके और अगर नहीं रहते तो शायद गेंदबाजी का पृथक्करण और कुछ अलग देखने को मिलता। लेकिन अगर मगर को क्रिकेट में अक्सर स्थान दिया नहीं जाता है। मैं हमेशा कहता हूं अगर मेरे चाची को मूछें होती तो मैं उसे चाचा कहता। कहने वाली बात जरूर है लेकिन क्रिकेट के मैदान के बीच में लागू है, और जो है परिस्थितियां उस परिस्थितियों में खुद को ढलना है और उस ढलते हुए परिस्थितियों को बदलने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। और उस परिस्थिति में कोई निखरता है तो कोई बिखरता है, देखना पड़ेगा कौन सी टीम निखरेगी इस मैदान पर और कौन सी टीम बिखरते हुए नजर आएगी। क्योंकि बिखरे हुए माले के मोती को कोई पहचानता नहीं, वही माला जब एक एक बिखरे हुए मोती से बन जाते हैं तो उस माला को गले में पहनने को हर एक कोई चाहता है। और देखना है गेंदबाजी में पहला बदलाव, गेंदबाजी के लिए और एक नया गेंदबाज जिसका नाम है साइश अमर टिक कमेंट्री बॉक्स के सामने से गेंदबाजी के मोर्चे पर, और सामना करेंगे फिर एक बार ओंकार साईश नाइक। ये गेंदबाज 18 नंबर की जर्सी पहने हुए हैं। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट अगर देखी जाए, एक फाइन लेग के ऊपर खिलाड़ी तैनात, मिड विकेट मिड ऑन लॉन्ग ऑन के ऊपर एक खिलाड़ी तैनात, लॉन्ग ऑफ के ऊपर कवर पर एक खिलाड़ी, कवर पॉइंट बाउंड्री थर्ड मैन के लगभग नजदीक एक पॉइंट और जो कि सेकंड स्लिप के नजदीक एक खिलाड़ी तैनात। ये फील्ड की सजावट और गेंदबाजी के लिए साईश नाइक फिर एक बार मोर्चे पर। और इस बार स्लोवर वन डिलीवरी, गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस जिसे कहा जाता है, ये मात्र यहाँ पर देखने को मिला। बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। और फिर एक बार ब्लाइंड स्ट्रोक, कहीं पे निगाहे, कहीं पे निशाना, लेग ब्रेक गेंदबाजी, ऑफ ब्रेक गेंदबाजी की तरह यहाँ पर डालता हुआ ये खिला गेंदबाज। लगातार दो गेंदे बिंदी और दबाव बल्लेबाज के ऊपर, क्या करें आप इस गेंद के ऊपर, ये देखने वाली बात होगी। यॉर्कर लेंग की गेंद, इस बार खेलना चाहते, नो बॉल का इशारा यहाँ पर आता हुआ, और एक अतिरिक्त सिंगल और बल्ले के साथ एक दो रन मिलेंगे, साथ साथ फ्री हिट मिलेगी। अगर बादल चौधरी होते तो कहते बाबा गेलो पंडरपुरा, इलो तरी वड़े ना इलो तरी वड़े, यानी कि फ्री हिट की गेंद, यानी कि इसके ऊपर सिर्फ आपको आउट होने का खतरा है, रनआउट का स्वरूप, आप आउट हो नहीं सकते, आप बोल्ड हो नहीं सकते। देखता है ये फ्री हिट की गेंद है और सामना करने के लिए तैयार रहेंगे रूपेश फिर एक बार। टोटल की अगर बात की जाए 26 रन पर पहुंचा है। अब अगर टीम के टोटल की बात, यहां से अब इस ओवर के बाद एक ओवर का खेल रहेगा बाकी, लेकिन उससे पहले ये फ्रीड की गेंद देखनी पड़ेगी, कहां मोमेंटम चेंज हो जाता है इस मुकाबले का। शायद इस फ्रीड के गेंद के ऊपर बड़ा शॉट निकला तो मैं कहूंगा यहां से शायद 50 का आंकड़ा दूर नहीं है, लेकिन देखना पड़ेगा। गेंदबाज साइश निकले, ओ ये बेहतरीन गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर, रनआउट का खतरा भी है, देखना पड़ेगा। और काफी बार पॉपिंग क्रीज से एक खतरनाक यहां पर रनआउट होकर पहले वापस दूसरे विकेट का बदन, रुपेश आउट होकर पहले इनकी दिशा में निकलते हुए फ्री हिट की गेंद जाया और साथ साथ विकेट भी गवाया। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर विराज आते हुए 97 नंबर की जर्सी उनके, और शायद ट्रैक आपके पास होना बेहद जरूरी है। पहले ही बता दिया था आपको हमने कि जिस तरह से बड़ी प्रतियोगिता है लाइव यूट्यूब के ऊपर है दोस्तों, और आपको यहाँ पर निश्चित रूप से पहले हिदायत आपको दे दी गई थी।
अब देखना है अंपायर का निर्णय क्या होता है, क्या यहाँ पर इनको खेलने की अनुमति मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और ये डिसिप्लिन है, और पहले बता दिया था जरूर आपको, और शायद अब देखना पड़ेगा क्या ट्रैक पहन के फिर एक बार वापसी करेंगे बल्लेबाज, लेकिन थोड़ी देर के लिए खेल फिलहाल तो रुका हुआ नजर आता है। नहीं, बल्लेबाज जो कि मैदान के अंदर जाते हुए पुनीत, ये बल्लेबाज 45 नंबर की जर्सी जो हमेशा आप देखते हैं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के शरीर पर, वही 45 नंबर की जर्सी हमेशा कहा जाता है कि कई बार ऐसे कीर्तिमान बने हैं, कई बार ऐसी जर्सियों का इतिहास बताया गया है। और अब गेंदबाज फिर एक बार निकलते हुए साईश नाइक और सामना करेंगे ओंकार स्ट्राइक एंड पर। ओ, ये तगड़ा स्ट्रोक, देखते ही बना गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए ओंकार के बल्ले से निकलता हुआ ये बेदरकार छक्का, और छक्के ने काम कर दिया इस ओवर में जिसकी आवश्यकता थी। टोटल पहुंचा 32 पर, 32 लॉस ऑफ 2 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। शानदार बल्लेबाजी, तो थोड़ी सी टांगों के पास गेंद थी और बल्ले को सही लाइन में लेकर आए, ताकत प्रदान कर दी शॉट के पीछे। ओ, इस बार चूके, इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी, लेकिन गेंद थोड़ी सी स्लो ओवर वन, बल्ला पहले घुमा गेंद बाद में निकली बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अच्छी गेंदबाजी का दायित्व तो वो छक्का लगने के बाद निभाता हुआ साईश नाइक मैदान पर। ओ, दूर से खेलने की कोशिश, पॉपिंग क्रीज से बाहर निकले, स्टंप आउट, वाइड का इशारा आता हुआ, यानी कि दो विकेट यहां पर निकले, एक रन आउट का वो नो बॉल के फ्री हिट के ऊपर निकला, और ये स्टंप आउट जो निकला वो वाइड के ऊपर निकला, एक रन और एक रन के साथ टोटल में बदलाव, टोटल जो कि पहुंचा 33 रन स्कोरबोर्ड पर। तीन विकेट के नुकसान पर नेल्सन फिगर आपको नजर आएगा, 33 लॉस ऑफ 3 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर मंजीत आपको नजर आते हुए, और सामना करेंगे साईश की गेंदबाजी का। 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर। ओ, ये स्लोवर वन, थोड़ी सी शॉर्ट पिच डिलीवरी, लेकिन चली गई विकेट कीपर के हाथ में, आते आते बड़े शॉट खेलना उतना आसान नहीं। साथ साथ तीन ओवरों का खेल समाप्त, 33 लॉस ऑफ 3 विकेट कंप्लीशन ऑफ द थर्ड ओवर। देव बरा करो गाँव वालों, परत एकदा सगळ्यांचा या मैदानावरती न्यू जनरेशन स्पोर्ट क्लबच्या वतीने आयोजित या क्रिकेट स्पर्धेत सगळ्यांचा हात जोडून स्वागत असा। सावड्याच्या या नवीन मैदानावर कालपासून सुरू झालेली क्रिकेट स्पर्धा आणि आजचा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसातील दुसरं सामनं या मैदानावर, 3 षटकांचा खेळ झाला समाप्त, आणि 3 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस तिरियाचं डबल गेम अर्थात 33 धावा धावफलकावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात। शेवटचा षटक आणि निलेश हा दिनेश गोलंदाजी मार्गवरती, 6 चेंडूंचा खेळ असा शिल्लक, म्हणजे भैरवी घालणारा या षटक, लेग स्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू आणि पंचांचा इशारा आमच्या दिशेने येता वाईडचो, म्हणजे बादल चौधरीच्या भाषेत सांगूचा झाला, रानल्यान टोपभर आणि वाढल्यान वाटीभर अशा पद्धतीतलो चेंडू। परत एकदा शॉर्ट चेंडू, आडव्या बॅटचो फटको, मात्र या फटक्यात जान नव्हती आणि चेंडू मात्र केवळ याच्यावरती मिळता एकच धाव, आणि एका रनात एकूण धाव संख्या पोहोचतात 35 रन्सवरती 35। न्यू जनरेशन स्पोर्ट क्लबच्या वतीने आयोजित हलक्या
टेनिस बॉल क्रिकेट ची हिट प्रतियोगिता परत एकदा लेग स्टंपच्या बरच बाहेर चेंडू पंचांचो परत एकदा इशारो आमच्या दिशेने येता वाईडचो परत एकदा एक धाव खात्यामध्ये जमा आणि एकूण धाव संख्या पुढे सरकता ती म्हणजे 36 रनचार परत एकदा मोठो फटको चेंडू जाता आकांड्याच्या पहिल्याडी 6 धावांसाठी षटकारासाठी टांगा पलटी घोडे फरार षटकार एकूण धाव संख्या पोहोचता 42 रन्सवर तीन गड्यांच्या मोबदल्यात 42 रन्स धाव फलकावरती म्हणजे 85 दिशेने वाटचाल करताना दिसता तो म्हणजे चिराग इलेव्हनचा संघ मैदानावरती परत एकदा तसोच चेंडू परत एकदा तोट फटको परत एकदा रिप्ले शॉट परत एकदा टांगा पलटी घोडे फरार षटकार आकांड्याच्या पहिल्याडी आता मात्र रन्स पुढे सरकतात ते म्हणजे 48 रन्स वरते म्हणजे आंब्याचं सीझन सुरू झालं आणि डझनांचे गदाले म्हणजे दोन चेंडूवरती एक डझन रन हे फल बॅट्समन आपल्या खात्यात जमा करता हे चेंडू मात्र थोडंसं खालती रवलेलो आणि चेंडूवर बॅट काय येणार आहे निर्धाव चेंडू जाता धाव संख्या फक्त 48 रन्सवरती स्थिरावलेली आणखी एखादं मोठं फटकं मारूचो आणि 85 वरची धावसंख्या आपल्या संघास उभारून देऊची हो इरादो आणि तो इरादो स्पष्ट होता फाईन लेगच्या डोक्यावरून चेंडू अटके पार 6 रन्सासाठी 85 धावा पूर्ण होतात एकूण धावसंख्या पोहोचतात 54 रन्सवरती म्हणजे नॉन स्ट्राईक एंट्रॅक दिसता तो पुणे त्याच्या जर्सीचा नंबर 45 आणि धावसंख्या पोचता ती 54 धावावरती ज्याका अल्टी पल्टी म्हटला जाता आणि अल्टी पल्टी ह्यो गेम जो तो गेम खेळतात त्यांकाच माहीत असतो मैदानात कुत्रो इलेलो दिसता कुत्र्याक काही खेळ आवडलेलो दिसता आणि मैदानावरती येता येता षटकार चौकार बघताना कुत्रोही जरासो खुश जाता परत एकदा फटको मात्र फटको सरळ वळत येऊन उसावता आणखी कलम लागता शेवटचा षटक समाप्त होता एकूण धाव संख्या 54 रन्सवरती आणि जिंकाच्यासाठी 5-0 डबल गेम अर्थात 55 धावांची आवश्यकता हो सामनं जिंकाच्यासाठी 24 चेंडूत 55 धावांची गरज कशा पद्धतीने बनवले जाते आणि कशा पद्धतीने गोलंदाजी होईल नौदर्ग स्पोर्ट क्लब संघाची फलंदाजी कशा पद्धतीने फलंदाजी करतील आणि दुसऱ्या बाजून चिराग इलेव्हनचा संघ 55 धावांचा रक्षण करणारी गोलंदाजी या मैदानावर करीत काय या सांगण्यासाठी परत एकदा घेऊन जाते आमचे समालोचक सागर ऑफ सागे Thank you, Jay Bosley. Meanwhile, before the second inning could commence, I would like to request Shantadurga Strikers and Sathiri Sports Club to kindly come for toss. The match referee, Gaurish, is at the entrance, waiting to take the toss. Meanwhile, requesting the fielding side to set your field as soon as possible. In this match, after being invited to bat first, Chirag Levan scored 54 runs for the loss of 4 wickets in the first inning. And they have put a target of 55 runs in front of Navadurga Sports Club. Requesting the fielding team, kindly set your field as soon as possible. Match is alive. You have to do all your homework out of the ground and come on the ground and execute whatever you have planned. So requesting all the other fielders to kindly take your positions as the two openers are out. Gaurish and Vicky, two openers. Gaurish with the white cap on his head and Vicky without cap. Two openers out for Navadurga Sports Club. Meanwhile, requesting Sathiri Sports Club and Shantadurga Strikers kindly come for the toss. Requesting the fielding side not to waste the time as a time is money and all are fighting for cash prize of 60,000 rupees to bag into their kitty. So let's not waste time. Requesting the fielding side, captain, keep your fielders at the proper place and let's start. Let's begin with the second inning. That's the run chase. Target is a 55 runs.
Let's see who is going to bowl first. Meanwhile, we can see both the openers, they are taking a little more time to select the match ball. Gaurish at the non-striker's end, and Vicky Vikrant on the striker's end. Gaurish, the left-handed batsman, elegant left-handed batsman at the non-striker's end. And Vikrant, Vicky on the striking end. Rupesh doing little warm-up before going to deliver. Meanwhile, here the stage is set for the run chase. 55 is the target. Let's see whether Navdurga Sports Club can achieve the target before the allotted 24 legal deliveries, or bowlers are going to make the plot difficult for the batting side. Here we go with the run chase. Rupesh with a very short run-up, just number 6. Right arm over the stumps, man on strike, Vikrant. A good battle is about to begin, and here we go with the first delivery. Ball has been pitched way outside the off stump, stretching the arms, signaling it is a wide delivery. Navdurga starts with an extra and open the account. Good strike along the carpet, two fielders running. Meanwhile, tall guy from the cow corner area gathers the ball to throw it back to the bowler. And a single has been considered. With that single, score moves to 2, as well as the left-handed batsman on the striking end. Now the fielders are moving in a clockwise direction to grab the proper places so that every boundary is being stopped. Meanwhile, Rupesh also decided to change the side from right arm over to right arm round the stumps. After setting the field properly, here we go with the second legal delivery of the first over. Rupesh all set, having a proper check at the fielders. Gaurish on the striking end. Oh my dear, what a lovely delivery, pacey delivery, ball dragged down to the leg stump, ball takes the inside edge of the bat, and that is the pace that have been generated by Rupesh, making it difficult as Gaurish back to the pavilion. Gaurish not troubling the scorer, neither able to open his account. And after the departure of Gaurish, another good name in as far as tennis ball cricket is concerned, Rohit, marching with the willow in his hand, grabs a bat from Gaurish and gradually moving to take the strike as the right-handed batsman is about to take the guard at the striker's end. Rupesh immediately decides to come over the stumps. Rohit, having a good check at the willow, takes the ball in his hand to check the bounce of the ball. After confirming all the things, finally Rupesh is about to deliver the third legal delivery of the first over. And definitely that wicket of Gaurish has definitely boosted the confidence of Rupesh. Man on strike, Rohit, waiting for Rupesh to deliver. First delivery, slightly bends his body towards the ground, swings the bat very hard, no connection. Again, a good decent line and length, concludes another dot ball. Another ball has been dragged, but slightly away from the awesome ball, rolls himself towards the fine leg area where the keeper himself runs and gathers the ball for another single. Meanwhile, a change of the bat asked by Vikrant, asking the batsman to be a little quick. So Rupesh finally onto a roll, trying to keep the batsman little away from the target. Target is a 55 runs, not giving boundaries, and that is the trick for the fielding side to restrict the opponents from the target. Meanwhile, a good successful over, we must say. Let's see whether Vikrant can spoil the stats on the deliveries to come. Vikrant on the striking and Rupesh the bowler. And there's the first hit. Fielder, tall guy, could not stop the ball from crossing above. And the signal from the umpire says that that's a sixer.
With that, Biggie, definitely a good start has been spoiled in this over. Score moves to 9, and a word of advice from the keeper to the bowler. And this is the final delivery of the first over. Rupesh on to the bowling mark. Vikrant on to the striking end. And here we go. Let's see whether Vikrant can take one more out of the orbit. Or Rupesh bowling a decent line and length. Let's see what is going to happen. Final delivery. Short pacey delivery. No connection. In fact, ball has been raised towards the long on area. Rupesh finishes with a single. With that, score moves to 10. After completion of one, score is 10 for the loss of one wicket. Requesting the captain of fielding side not to take meetings on the regular occasion, as code of conduct is soon to be implemented. And in that, meetings will be banned. So please come with your plan. Plan your things and let's not waste the time on the ground. Magta captain ag matcha zada itla begin karya. Already time khub waste kala ami late balat. Don vara ami late zaldat. And tedun bidir captain an matcha time zada itla sevgal cha. Magta captain agade aple je strategy asa thi pahilis plan karun yaat. Je karun ground aja time waste asa to kami zatla. So meanwhile, the second over of the inning. Manoj, tall guy with a long run up. Vikrant on the striking end, 10 runs on the board. More of 45 runs required from 18 legal deliveries. This is going to be a nail-biting finish. I believe so. Short pitch delivery is the ball. And the catch has been grasped by the tall guy at the cow corner towards the mid wicket. And that's the fall of the second wicket. Vikrant departs in the second over on the very first delivery of Manoj. Let's see who is going to be the number four batsman. Suraj is the name on the back of the jersey. Jersey number 27. But now this is the ninth time, and this is the time where Suraj, that is another name for the sun, takes the rest. That's why we can see the dark and we have to put the lights to make this play happen. Let's see whether Suraj can rise for Navdurga or the bowler Manoj tries to be the eclipse for the sun. Good context is about to happen. Suraj on the striking end. Manoj to deliver. Let's see who will rise in this over. Short pitch delivery, Suraj strikes, and Suraj is not going to set, but in fact, about to rise. And the first ray of hope has been sent out of the park. Sixer taking this score to 16. Manoj has been hit out of the boundary. A ray of hope have arisen. Let's see whether another ray of hope continues to come from the hitting of Suraj. Meanwhile, Manoj decides to come round the stumps. Let's see whether he can bring some fortunes for himself and the bowling team. Manoj to Suraj. Short pitch delivery, chance of a catch, and the ray hop hope has been brought back by Manoj being the eclipse for Suraj. Good catch has been taken, diving at the very end as the ball was digging. Dipping in front of the player, good effort, good catch to take the third wicket. Suraj hits a six. That ball was short pitch, but there was not proper timing. That makes Suraj to set himself and come out of the ground. Batsman good. Vikrant, Batsman good. Yogiraj, the new man in.
Jersey number 12 remains another big name at the international cricket. Yuvraj Singh, who has been able to hit 6 out of 6. Let's see whether Yogi Raj can do justice to the jersey number that he is wearing on his back. Manoj right up on the stumps. Yogi Raj, jersey number 12 on the striking end. So far, a sixer has been hit in this over and a wicket. Lovely pace delivery, no chance for Yogi Raj. Meanwhile, the fielder fumbles, slips, as a lot of div can be seen on the surface. That makes the players to slide, glide, and fall after slipping. Meanwhile, a single taking the total to 17. Second in progress, and now the big guy, the man who can change the tide of this match, Rohit on the striking end. And definitely the bowling side will be hoping the wicket of Rohit from Manoj. Let's see what is going to happen, who is going to top in this delivery. Good pace delivered right on to the legs, and no chance for Rohit. Ball also kept little low after landing on the surface. Manoj delivers a dot ball, a good tidy over so far. Even a sixer has been hit, but when it comes to the floodlight cricket, most of the batsmen likes to deal in the boundaries and the sixes. So far, batting side is a little quiet compared to the bowling effort. Short between Rohit connects with a one-handed horizontal batted shot towards the square leg, and the result is a sixer. A sixer to end. Sixer to end the second over. Score 23 for the loss of 3 wickets. So let's see who is going to bowl the third over. It's the tall guy. Let's see what is his name. Sushant, the tall guy. Let's see from which side he will opt to bowl. Meanwhile, ball is in his hand. And he decides to come round the stumps. A tall guy, Yogi Raj on the striking end. Sushant checking the field, and after having a proper check, here we go with the third over. First legal delivery is about to deliver. Short pitch delivery, and Yogi Raj connects the ball out of the line. No chance for even the spectators behind the boundary rope. Sixer to start the third over. And what a way to welcome the bowler. With that sixer, score moves to 29. Definitely that six will put some sort of doubt in the mind of the bowler. And that doubt makes the bowler to shift from round the stumps to over the stumps. Yogi Raj getting the momentum. Sushant onto his bowler, run up mark. Another good cutter. There was a chance of a stumping, but Yogi Raj is back on time inside the crease. Second delivery has been a dot delivery. Another leg spin. What a lovely cut shot. Away from the fielder, lovely effort to stop the ball inside the boundary rope. Meanwhile, we have to check with the umpire signal. And I think no signal from the umpire confirms there is no third umpire. We have to wait for umpire signal, as a third umpire is not in act. So we are waiting for the umpire signal. Requesting only captain to come near the umpire. Other players, please take your places. Other players, please take your guard. No argument with the umpires. No argument with the umpires. Players agade magta, umpire agade koni, argument korcho ni. Umpires, players agade magta, argument korcho ni.
अंपायर्स डिसीजन विल बी द फाइनल मागता प्लेयर्सा कडे आपापली जागा घेऊची लेट्स कीप द स्पोर्ट्समॅनशिप लेट्स कैरी ऑन विद द मैच So that's the final confirmation. That's the sixer. Requesting the players kindly take your positions. And that sixer takes the total to 35. No arguments. No further arguments. Captain, kindly set your field. The decision is already taken. And the score is added by 6 runs. Total moves to 35. Third over in progress. Sushant delivering right arm over the stumps. Yogiraj connects for the second time in this over. More 20 runs required as the target is of 55. One over to be bowled. 20 runs to get. Requesting captain to carry on with the proceedings. Next match is going to be played between Shantadurga Strikers and Sadhuri Sports Club. Requesting captain not to waste the time. Already we have wasted 5 minutes while discussing. So here we go. Finally, there's a chance of a catch. Keeper running backward and takes a simple looking catch, which is very difficult, at least in the night time. At the daylight you can adjust, but when the floods are on, the lights straight away falls into your eyes. This catch looks to be very easy, but that is the most difficult one as per me. And a good catch taken by keeper to depart Yogiraj. Yogiraj goes at the score of 35. And an individual score of 13. Saish is the new man in. Meanwhile, man on strike is Rohit. Let's see whether Rohit can continue the party that Yogiraj have started in this over. Or Sushant is not going to give things easy as Yogiraj departs. Definitely it is going to be a booster of confidence for Sushant. So many things are about to happen. Rohit on the striking end. First of all, fielder running to get the ball. Ball bounces more than the expectation. But sometimes it may be a trick from the fielder showing that he has missed the ball so that he can get a run out. Meanwhile, a single to bring Saish on the striking end and score moves to 36. On the board. Sushant taking his time for the new man. A lovely leg cutter to conclude the third over after completion of 3 scores. 36 for the loss of 4 wickets. Let's see who is going to bowl the final over, the penultimate over, where a lot many things depend on the every delivery of this over. Every delivery is a crucial one. Money is on the card, as both the teams are fighting to book their place in the further round. And the cash prize of this tournament is 60,000 rupees. 60,000 and 60 rupees plus a wonderful trophy that can be seen towards the left-hand side of the commentary box in the pendle. 19 from 6 legal delivery, that is 3 sixes away and a run. Nawdurga from the victory. Meanwhile,
18 runs to defend for Chirag 11. Manjit, the last guy, and everything depends on Manjit whether he makes his team to travel in the second round or he is going to sacrifice another 10 players to qualify from the second round. Lot of things depend on Manjit and Rohit and Saish. So nail biter is on. Manjit looking very confident as he is about to bowl. Rohit low full toss on to the legs ball. Let's see. Definitely Rohit will looking to maintain the strike. Meanwhile, chance of a run out at the non-striker's end, and a keeper who is very quick doesn't miss. Meanwhile, a single off the bat as there's a no signal from the umpire. Ball taking the inside edge of the bat, rolling onto the legs. Makes, allows Rohit to take a single. Now exactly 18 runs required from 5 legal deliveries. And Rohit is quite capable of doing it. He has done it at the numerous occasions in the heavy ball tournament as well as the light ball tournaments. Let's see what he can do. The past is the history. We can't stay in the past even for a second. Every day is a new day, and the future depends on how you play today. Rohit, the big guy with the willow, on to the striking end. Manjit, the bowler, another good delivery into the legs. No chance for Rohit. Swings the bat in the anticipation that there will be a connection, but ball goes onto his legs. Dot ball bowled by Manjit. 4 legal deliveries and 3 sixes to be hit. Bowler definitely will be confident as he has been able to keep Rohit quiet for first 2 deliveries. Another good delivery. No answer from the bat of Rohit. Plays the ball along the carpet. Good line and length maintained by Manjit. 3 deliveries to go. 18 runs to get. 3 sixes will save the plot for Navdurga. And low full toss through the legs on to the middle stump. And the flash of LED lights confirmed there's a fall of the wicket in form of clean bowled. Rohit departs, and now plot is been sold already to Chirag 11. Unless and until there are no ball into the act, the plot will be safe with Chirag 11. Newman in his Swapnil will be on the striking end. And I see the coolest guy at the moment is Manjit. Delivered 4 good deliveries, have given only 2 runs. Not even 2, only 1 run, and have been able to get a wicket for himself and 2 wickets for team in this over. Now just the formalities remaining. Manjit knows that, again delivers a good pace delivery slightly outside the off stump. What a over this is proving to be. Manjit sealing the berth for Chirag 11 into the second round. Another good delivery continues, and that's the end of the match. Let's see who becomes the most valuable player for Chirag 11 as a couple of good performances. But finally, it is an all-round performance from the guy who has scored 18 runs with the bat, in which 3 sixes were involved, and delivers the penultimate over. Manjit, you are the man of the match. Kindly collect your man of the match at the presentation area. You can, you'll be handed over a beautiful trophy by the guest in a while. Let's move on to the next match. Shanta Durga Strikers versus Sateri Sports Club.
Requesting 12th man of both the teams to kindly assist our scorer in the commentary box. Meanwhile, I would like to take a break and handing over the mic to the team of commentators, one of the members of the team, Krishna Devji. चलिए जल्दी कीजिए। शांतादुर्गा स्ट्राइकर्स और सातरी टीम, इनके बीच में ये मुकाबला होगा। दोनों कप्तान अपना 12 मैन भेजे हमारे पास जल्दी नाम बताने के लिए। लगभग रात का समय मैदान पर और इस वक्त अगर बताओ बात तो अच्छे मुकाबले, थोड़ा जल्दी कीजिए। हम्पायर भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लगातार हम्पायरों की तारीफ भी करनी पड़ेगी। उस शबनम काफ़ी गिर रही है, उसके बावजूद एक अच्छी हम्पायरिंग मैदान पर। हम ऊपर जरूर बैठे लेकिन अंपायरों के लिए मैं को ज़रूर कहूँगा कि उनकी इस कार्य को बिल्कुल सलाम रहेगा। आसान नहीं होता इस डू में, मतलब ओस में जो कि अंपायरिंग करना, और उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा अंपायरों को, बेहतरीन कार्य उनका। लेकिन सो प्लीज़ खिलाड़ी भी जल्दी कीजिए कि ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आज मैचेस को जल्दी समाप्त करना पड़ेगा। लगभग अमन 11 बजे से पहले मैच समाप्त होने चाहिए थे, आप लगभग 2 घंटे लेट आ चुके। सो प्लीज़ हम फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा जल्दी कीजिए। ओके चलिए, तमाम दर्शक इस यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत मैदान पर। समीर सर जो कि भाई इस नाम से पूरे इस एरिया में प्रख्यात, जो कि एक बेहतरीन खिलाड़ी साथ साथ मतलब कोच भी है, वॉलीबॉल और फुटबॉल के कोच बेहतरीन, हमारे साथ जो कि मौजूद रहेंगे आज स्कोरिंग पर। समीर सर आपका भी स्वागत, हमारे साथ जय भोसले और जय